नमस्कार दोस्तों, टीम वर्क के लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल, सबसे बड़ी उदाहरण रामायण में छुपा हुआ है। और आप देखिएगा जिस तरीके से राम सेतु बन रहा था और इतनी सारी वानर सेना राम का नाम लिखकर उस पत्थर पे उसको समुद्र पे फेंक रही थी और वो समुद्र पे वो पत्थर तैर रहा था, तो उनका फेथ था जिस तरीके से वो पत्थर वहाँ पे तैर रहा था। उसी तरह किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोसेसेस एंड बेस्ट पीपल। और जब प्रोडक्ट बनती है बेस्ट पीपल से, वो प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं होता। उसी तरह राम सेतु जब बन रहा था, वानर सेना की फेथ ने उस ब्रिज को बनाया जिसके ऊपर हजारों वानर सेना चलकर उस पार गए लंका में रावण से लड़ने के लिए। और जब खुद राम अपने नाम लिखकर उस पत्थर को वहाँ पर डालने की कोशिश की, वो माना जाता है कि डूब गया, वो तैरा नहीं। तब हनुमान जी अपेरेंटली उनको कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे इस काम को। तो आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ की इम्पोर्टेंस कितनी होती है, उनकी फेथ आपके ऊपर कितनी होती है, और उस भरोसे के ऊपर उन लोगों ने इतना बड़ा राम सेतु खड़ा कर दिया। तो अगर आपकी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होना है मार्केट पे, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा और उनको पूरा अधिकार दीजिएगा कि उस प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोसेसेस के साथ बनाएं। बस ये एक बहुत बड़ी सीख है रामायण से। धन्यवाद।